हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास एक 200 वाट का ये एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का बोर्ड है इसके अंदर। और इसमें जो प्रॉब्लम है, एक साइड पे आवाज़ धीमी आती है जब से ये बनाया है। मुझसे कहा है जिस कस्टमर का है, भाई एक साइड पे सर इसमें जो है ना आधी आवाज़ आती है, दूसरे के मुकाबले तो एक समझो कि बहुत ही कम आती है, और एक साइड बिल्कुल ठीक आती है। जब से बना है, यानी कि जहाँ से वो नया लाया था, दूर से लाया था, वहाँ तो उन्होंने जैसे धोखाधड़ी में चेक करो करा के दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये जब से बना है, इसके अंदर एक साइड में बहुत ही कम ज़्यादा आवाज़ आती है। तो भाई, जब हमारी आवाज़ कम रहती है, हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़, कितनी वोल्टेज, क्या चीज है, सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मैंने ढक्कन खोला, मैंने सोचा भाई आपके लिए वीडियो बनानी जरूरी है, आपको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल धूल धूल ऐसी लगी हुई है, मैंने अभी छेड़ाछाड़ी नहीं करी। तो भाई देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे 1000 वाट लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे आपको पता ही है कितने वाट का है ये, बता दिया मैंने, 100+100 वाट का है, 200 वाट में, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पहले आपको दोस्तों सेट को ऑन करा के दिखाता हूँ, आवाज दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ ब्लूटूथ आ गया, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये है वॉल्यूम इसकी 0, यहाँ पे निशान लगा। अब मैं इसको फुल बढ़ाता हूँ, ये देखिए फुल बढ़ गई, बस ये आवाज इसकी, बस ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर इसका बैलेंस तो कम ज्यादा नहीं हो रहा, चलिए मैं आपको दोस्तों एक चीज बताऊं। ये देखिए, अब यहाँ पे एक निशान देखना, ये निशान बनाओ, ये निशान गया इधर, तो बिल्कुल इधर की मतलब आधा स्पीकर, यानी कि एक स्पीकर इधर म्यूट, ठीक है। अगला स्पीकर आ जाता है हमारा यहाँ पे, ये देखिए, तो हमारा ये आ जाता है इधर का म्यूट, तो ये हमें बीच में रखना पड़ता है, तो यहाँ भी बैलेंस भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपने बैलेंस देख लिया। अब उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, बैलेंस तो हमारा भाई बीच में है, जैसे यहाँ पे अगर इधर करा तो इधर की कॉलम बंद, अगर इधर करा तो इधर की बंद, तो हमारा बीच ही में ही है, तो यानी कि यहाँ से तो कोई मैटर नहीं है इसका, ये आप समझ गए। अगर वॉल्यूम भी खराब होता तो वो छोड़ देता है, खराब तो करता नहीं। तो अब देखिए, मैं दूसरा साउंड सुनाता हूँ पहले, क्योंकि अगर आपको ऐसे लगेगा ना तो दिक्कत है कि मैं आपको दोनों चैनल का दिखाता हूँ। भाई इस वीडियो को पूरी देख लेना एम्पलीफायर में, क्योंकि ऐसे ऐसे फाल्टी दिमाग खराब करते हैं। भाई इस वीडियो को कंप्लीट पूरी देखना, मजा आ जाएगा, पैसा वसूल वीडियो हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं इसका सॉन्ग यहाँ तक खोलता, यहाँ तक खोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 5 पॉइंट तक खोल रहा हूँ, ये इसका साउंड देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ ब्लूटूथ का भी साउंड बढ़ा देता हूँ, देखिए 50 है, ठीक है ना, आपने देख लिया। अब मैं यहीं के यहीं, अभी देखिए मैं यहीं के यहीं इस माइनस से हटा, इस वाले प्लस से हटा, क्योंकि इनके माइनस तो दोनों के सेम होते हैं दोनों चैनल के। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इस वाले चैनल पे, चलो मैं यहीं लगा देता हूँ, सीधा यहीं पे लगाता हूँ, ये देखिए कितना मतलब कितना कितना ज्यादा भाग रहा है दूसरे चैनल पे, मतलब जिस जो ठीक है, ये देखिए ठीक है। और मैं यही अगर इस साउंड पे लगाता हूँ, देख कितनी धीमी आवाज है। अब सोच रहा हूँ कि भाई इनका ग्राउंड अलग अलग हो सकता है, तो चलिए भाई आपका ये वाली कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ, ये देखिए ठीक है ना, अब इसी चैनल का मैटर है ना। तो भाई अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, तो देखिए अभी ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा दोस्तों ये आपका जो कार्ड डिजिटल, तो सबसे पहले इस कार्ड को आपको रिप्लेस करके देखना है। रिप्लेस नहीं करोगे तो आपको करना क्या है, जो ना यहाँ पे जो ना अपने ये जो ये देख सकते हैं, इसमें तीन तार ये ऑडियो पे गए हुए हैं, ये जो ऑडियो पे गए हुए ये वाले, इसमें क्या है, एक ग्राउंड होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो ये जो रेड वाला यहाँ ग्राउंड दे रखा है, ब्लैक और येलो ये राइट लेफ्ट राइट दे रखे हैं। तो आपको इससे चिमटी से टच करके देख लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो कार्ड है, इस कार्ड से भी हमारी ऑडियो गलत आ रही हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना पीले वाले दोनों तार को हटा लेते हैं, पीले को और काले, क्योंकि लेफ्ट राइट यही है, ये काले और ये लाल वाला दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है। तो चलिए पहले हम इन्हें ही हटा लेते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है ना, कैमरे को सेट करके आप आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीला है और ये लाल काला वाला है, ये हमारे कार्ड से आए हुए हैं। अब आपको इस समय पे साउंड चालू करना, देखिए ये मैंने साउंड चालू कर दिया, ठीक आवाज आ रही है। अब आपको करना क्या है, पहले पीले वाला हटाना है, ये देखिए पीला हटा लिया, इससे कोई मैटर नहीं है, ये काले वाला हटा लिया। तो मैं आपको करना क्या है, ये आपस में पलट देना है, काले की जगह पीला कर देना, पीले की जगह काला कर देना है। अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो हमारी सॉल्व हो जाएगी हंस से ही। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पीले वाले को मैं आगे कर देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम अभी भी इतनी ही है, ये देखिए
ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए सेम टू सेम है प्रॉब्लम। ये देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने पलट दिए लेफ्ट राइट। अब आपको ये तार बिल्कुल यहाँ से हटा लेने हैं दोनों ही, ठीक है। अब आपको ये हमारे इस पे गए ना, ये वाइट और ये जो देख सकते हैं ये वाले दो तार जो हैं ये जा रहे हैं हमारे सेलेक्टर की तरफ। और हमारा दोस्तों जो हमारे ये माइक वाइक के स्विच है, अगर इसमें दोस्तों कहीं शॉर्टिंग होगी, कोई दिक्कत होगी, तो यहाँ से इन्हें हटाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा स्टेप हमारा ये है, सीधा वॉल्यूम से कनेक्शन और बाकी का आइटम कटा देंगे, सीधे कार्ड के कनेक्शन देंगे। देखिए ये देखिए सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको, देखिए ये देखिए फुल करता हूँ, ये देखिए बस ये है, ठीक है ना, आवाज ज्यादा नहीं आ रही है। तो भाई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है हमारा, ये तार वापसी लगा देंगे, हमने अलट पलट के यहाँ से देख लिया। तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, ये जो है ना यहाँ से डायरेक्ट करके देखना है वॉल्यूम, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैसे करना है आपको, देख सकते हैं पहली पिन दो ग्राउंड है आपस में कनेक्ट है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ये आउटपुट है जो कि हमारी इस पे जा रही है, यानी कि प्री एम्प पे जाके इस मेन बोर्ड पे आ रही है, यहाँ से हमारी इनपुट है। तो आपको ये दो आपस में ऐसे टच करके देखने हैं, अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी वॉल्यूम की, तीसरा स्टेप है ये, अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से अभी पता लग जाएगा। तो बिना वॉल्यूम बढ़ाए यहाँ देखिए इस तरह टच करते हैं, ये देखिए देखिए यहाँ, अब ये देखिए, ये देखिए अभी भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बहुत मंदी आवाज आ रही है, वो पंच आ ही नहीं रहा जो आना चाहिए। ये देखिए डायरेक्ट करने के बाद भी, ठीक है, डायरेक्ट करने के बाद भी वो क्वालिटी नहीं आ रही। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा यहाँ से फॉल्ट नहीं है, और हमारा सिलेक्टर से फॉल्ट नहीं है, और हमारा कार्ड से फॉल्ट नहीं। अब आ जाता है सीधा हमारा ये प्रीएम बोर्ड, यहाँ पे जो प्रीएम लगा है बेस ट्रेबल वाला, जो बेस ट्रेबल वॉल्यूम, उसके बाद है मेन चैनल। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले जो है ना बेस ट्रेबल को छोड़ के, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉल्ट बनने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन कह रहा है कस्टमर नया लिया जब से दिक्कत है, तो हो सकता है इसको बनाने में कोई डिफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें दोस्तों चैनल चेक करने पड़ेंगे, एक चैनल इधर है और एक चैनल इधर है, तो सबसे पहले चैनल चेक करने हैं। तो चैनल कैसे चेक करने, चलिए दोस्तों आपको चैनल चेक करा के दिखाता हूँ, कैमरे को सेट करता हूँ। तो चैनल चेक करने का बहुत सिंपल क्या तरीका, हम क्या करेंगे, जैसे भाई हमारा एक चैनल ये है और एक चैनल ये है और ये हमारी पावर सप्लाई, अब हमने देख लिया, अब इसमें इनपुट सिग्नल जहां से भी है हमें ऐसा करके देखेंगे, सबसे पहले इसका सिग्नल उधर की तरफ, उसका सिग्नल इधर की तरफ। तो हम क्या करके देखेंगे, हम सिग्नल को चेंज करके देखेंगे, अगर हमारा चैनल में फॉल्ट नहीं होगा तो इधर हमारे चैनल में तेज आवाज आ जाएगी उस चैनल की तरह। तो सबसे पहले अब यही चीज चेक करनी है, क्योंकि हमारा जो है ना, हमने देखे सेट बंद कर दिया, हम शुरू होते आ रहे थे यहां से, क्योंकि ये जो ऑडियो का सिग्नल है इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो यहां से आते हैं और फिर वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से जाते हैं सिलेक्टर पे, सिलेक्टर भी ठीक है, और फिर बैलेंस, बैलेंस तो ठीक ही है। तो भाई उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा हमारे इस पे, क्योंकि सिग्नल टेस्ट कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ से जो है ना पीसीबी के जो है बोर्ड खोल लेंगे, अभी देखिए दोस्तों पीसीबी जो है ना हम ये खोल लेंगे, तो यहाँ से पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए पीसीबी को बाहर निकालते हैं, और हमें सबसे पहले इसमें इनपुट सिग्नल देखना है कौन सा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे इनपुट सिग्नल देखना होगा कौन सा है इसके अंदर, तो हमने पीसीबी को निकाल लिया है बाहर। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना कुछ कनेक्शन हुए हुए हैं, ये हमारे ट्रांसफार्मर के तार हैं, ये हमारे स्पीकर के हैं लेफ्ट राइट देख सकते हैं, और ये हैं हमारे इनपुट के, आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे इनपुट के लगे हैं ब्लैक और ग्रीन देख सकते हो ये। तो भाई अब हमें करना क्या है, देखिए अभी आपको यहाँ पे जो है ना एम्पलीफायर को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैं एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ, एम्पलीफायर ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कनेक्ट कर लेना, मतलब यहाँ पे साउंड जो है ना प्ले कर लेना है, अभी ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ पे साउंड को प्ले कर लेना है। तो मैं साउंड को प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये चेंज करना है, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे साउंड बढ़ाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से साउंड बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारा नहीं है, ये तो सप्लाई के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ रही है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑडियो ये है। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ से कौन सी साइड पे दिक्कत है, ग्रीन वाली पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन वाला लगा हुआ है ना, देखिए ग्रीन पे लगा हुआ है स्पीकर, तो मैं यहाँ से आवाज थोड़ी सी मंदी कर लेता हूँ, ग्रीन पे लगा यानी कि इधर दिक्कत है, इस चैनल में दिक्कत है या इसके ऑडियो में दिक्कत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इधर के ऑडियो का सिग्नल उठाएंगे यहाँ से, और इस ऑडियो के सिग्नल को ग्रीन वाले को इधर कर देंगे शिफ्ट, और यहां से इस चैनल पे ये वाली ऑडियो दे देंगे,
ये देखिए भाई कितनी तेज हो गई आवाज तुरंत ही। ये देखिए आप आपके सामने देखिए, ये देखिए, ये देखिए थोड़ी सी आवाज बढ़ाती है और आपके सामने है। देखिए इधर की साइड में दिक्कत थी ना, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम उधर की साइड पे चेक करेंगे तो ये फॉल्ट हमारा इधर आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि भाई अब जो है ना सिग्नल हमने पलट दिया, तो जो प्रॉब्लम है हमारे वो सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर इतने पे भी कुछ नहीं हो रहा, ये देख सकते हो। तो भाई जो प्रॉब्लम है अब हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो चैनल है दोनों ओके हैं। जो हमारा ये ग्रीन वाला सिग्नल आ रहा है ना यहाँ से प्रीएम बोर्ड से, इसमें दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? जिसने ये बोर्ड बनाया है उसने इसकी बहुत सारी कोई ना कोई रेजिस्टेंस गलत लगा रखी है, इस पर वोल्टेज पूरी नहीं आ रही। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक की ऑडियो आ रही है तो एक की ऑडियो से दोनों को ऑडियो दे सकते हैं। ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, इसके अंदर परमानेंट सिस्टम है। आप कहो कि भाई इसे रिपेयर करो, जुगाड़ करो, तो भाई इसको रिपेयर करने में कम से कम घंटा आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि इस सर्किट को पूरा रीड करना पड़ेगा, इसकी सारी रेजिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नया बनाया हुआ सर्किट और बड़े गंदे तरीके से बना रखा है, देख सकते हो। ये देखिए बहुत गंदे तरीके से बना रखा है, तो इस सर्किट को रेड करना पड़ेगा, उसमें वीडियो में बहुत समय लग जाएगा और उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं, क्योंकि ये है लोकल एम्पलीफायर। क्योंकि ये जो आपका ये जो वाला जो ये लगा हुआ है ना, ये देख सकते हो यूएसबी पैनल, खुद ये ही इतना थका हुआ है, ये इतना लोकल है कि इससे जो लेफ्ट राइट जो ऑडियो आती है ना वो एक ही ऑडियो से आती है, ठीक है ना, एक ही ऑडियो से आती है। बस वहां पे जो रेजिस्टेंस लग के आती है, लेकिन आती है एक ही से, लेफ्ट और राइट नहीं आती है वो, चाहे आप याद रख लेना। तो भाई उससे बढ़िया है कि यहाँ जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से वहां तक 1K की रेजिस्टेंस उठाओ और दोनों चैनल पे चलता है। चलिए अभी दोस्तों करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ करके। तो जो हमें पता है भाई, हमें पता लग गया, बिल्कुल हमें पता है कि ग्रीन वाले में दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, ये देखिए हम यहाँ ग्रीन वाले को यहाँ से कट कर देंगे, इस वाले वायर को हम यहाँ से बिल्कुल कट कर देंगे, इसका कोई मैटर नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ पे 1K की एक रेजिस्टेंस लेनी है, ध्यान देना। चलिए हम यहाँ 1K की रेजिस्टेंस लेते हैं डब्बी में से, ये देखिए ये मैंने 1K की एक रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है, ब्राउन ब्लैक रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस वाले सिग्नल से, जिधर सिग्नल सही है, ठीक है ना, इधर सिग्नल से इधर के सिग्नल को जोड़ देता हूँ, ये देखिए बस एक रेजिस्टेंस लगाई 1K की। अब मैं से यहाँ बोर्ड को सीधा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं चेक करा के दिखाता हूँ अब आपको, यहाँ पे जो है ना आवाज बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बढ़ाई आवाज हल्की सी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब आपको सेम वॉइस दिखाता हूँ, सेम वॉइस, ये हमारा इधर का चैनल हो गया और ये भाई, ये दोनों ग्राउंड एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई से पे लग रहा है ना, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, और ये देखो, ये देखो, ठीक है ना, अब आप खुद देख लो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो भाई अब दोनों चैनल हमारे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाई और आपको पूरा मेथड बताया और आपको कंप्लीट रिपेयर करके दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा एम्पलीफायर एकदम जेन्युइन तरीके से चलेगा, कोई नहीं दिक्कत आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप चाहे कितना भी इसमें दिमाग लगा लेना, दिक्कत जरूर बनेगी, अगर आप ये मेथड लगाओगे तो सिर दर्द ही खत्म और कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और कस्टमर आपको पैसे देके जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय श्री राम।